दस देके किसला बीस देके मिसला 500 हजार देके ये हूँ मैं से चिखला। तान्या झा ने मेरा गाना चुराया है, ये मेरा स्क्रीनशॉट लेके और पब्लिक को दिखा रही है कि ये मेरा गाना है। एक कलाकार के कला, एक कलाकार के लिए उसकी कला सबसे बड़ा धर्म होता है, सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ी पूजा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क तब पड़ता है जब उसकी मेहनत, उसकी कला को कोई चुरा कर दूसरा आदमी पेश करता है और उसका फायदा उठाता है, उसकी पॉपुलरिटी को हासिल करता है। उस कलाकार की आत्मा तब मरती है जब उसकी मेहनत का फायदा, उसकी मेहनत का श्रेय दूसरा आदमी लेता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जो सपना आर्या ने गाना गाया है, लेकिन तान्या झा ने उसे चुराकर उसकी पॉपुलरिटी हासिल कर रही है और उस गाने पर अपना दावा कर रही है। आइए पूछते हैं कि वो गाना किसका है और उसकी असलियत क्या है। सपना आर्या से पूछते हैं कि वो गाना इन्होंने गाया है या तान्या झा ने गाया है, असलियत जो है वो सपना आर्या ही बता पाएंगे। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सिंगर सपना आर्या, और सबसे पहले सर आपका नमस्कार, और जितने लोग इस न्यूज के माध्यम से जुड़े हुए हैं सबको नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले मेरा सवाल है कि जो तान्या झा ने गाना, इस वक्त तान्या झा के नाम से गाना चल रहा है जी। उस पे आप अपना हक जता रही हैं कि वो गाना मैंने गाया है। तो सर इसमें हक क्या जताना है, वो गाना मेरा ही है, पहले मैंने ही गाया है। कैसे साबित करेंगे आप? सर मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है आपके? मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, और जब टॉप पे चल रहा था 85 पे, तो वो भी मेरे पास प्रूफ है सर। तान्या झा का गाना बाद में चढ़ाया क्योंकि उन्होंने मेरा गाना चुरा के गया है। आपका गाना कौन सा है जो चुराया गया है? सर उस गाने का थंबनेल है 10 लेके किसला। जैसे आप सुनाएंगे सर? जी, और सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ये प्रेमी म्यूजिक वर्ल्ड से ये गाना मेरा रिलीज हुआ था, और गाने का बोले था लड़के का बोलता है जो सागर संगम जी के साथ में गाए थे कि अहिल बड़ू नाचे जब से देखो तनी तो है चोड़ होली जवानी देखे मन हमर मुंह है। तो मेरा बोले था लड़की का कि दस देके किसला बीस देके मिसला 500 हजार देके ये हूं मैं से चिखला। जी जी जी, तो ये गाने पहली बार आपका हिट हुआ है जी, पहली और उसकी सफलता भी किसी और को मिल रही है जी। इसका सफलता किसी और का मिल रहा है, मेरा कोई नाम नहीं है, कोई चर्चा नहीं है सर। तो अब जनता से, और ये गाना ट्रेंड भी किया था सर 85 नंबर पे। अच्छा, ट्रेंड कहाँ पर हुआ था? पूरा यूपी में हुआ था सर, ज्यादातर नेपाल में। अच्छा, मतलब जो ऑल ओवर वर्ल्ड के जी। और मेरे पास उसका भी प्रूफ है सर, जो मैं आपको दे दूंगी। आपने गाने कब अपलोड किया था? सर मेरा गाना 12 अप्रैल 2022 में हुआ था। और तान्या झा का? तान्या झा का गाना हुआ था 3 अक्टूबर 2022 में सर। आप कैसे साबित करेंगे, एविडेंस है आपके पास? जी मेरे पास प्रूफ है। कि दिखाई क्या है आपके पास? सर ये देखिए, ये मेरा गाना है जो 17 मिलियन से भी ऊपर गया है 12 अक्टूबर 2022 में, और ये तान्या झा का है जो 3 अक्टूबर 2022 में हुआ है सर। और जो ये पब्लिक के सामने जो शो कर रही है कि मेरे को पब्लिक 6 मिलियन 7 मिलियन मतलब 16 मिलियन 17 मिलियन मतलब हमारा व्यूज गया है, इतना प्यार मिला है पब्लिक के थ्रू, तो सर ये सब गलत है, वो फेक दिखा रही है। मेरा स्क्रीनशॉट लेके और पब्लिक को दिखा रही है कि ये मेरा गाना है सर। मैं तो आपके सामने प्रूफ रख दी, आप खुद। अब इसके लिए क्या करेंगे सर? इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि पब्लिक क्या करना चाहती है। नहीं, आप तान्या झा पे चोरी का एक इल्जाम लगा रही हैं जी। लगाना क्या हुआ है? तान्या झा ने मेरा गाना चुराया है, और सर अगर तान्या झा मेरे से ये सवाल करती हैं, या पब्लिक अगर ये पूछता है कि क्या पता तान्या झा ही पहले गा रखी हो, आप पीछे से गा दिए, तो सर 2 दिन 4 दिन 6 दिन आगे पीछे गाना हो सकता है सर, 6 महीने नहीं हो सकता है। अब आगे का क्या विचार है आपका? आगे का यही विचार है सर कि जो तान्या झा कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है, बस बस यही हो गया कि मेहनत कोई और करे, फल कोई और पाए। जनता से कोई अपील? जनता से अपील है कि जनता एक बार डिसाइड करे कि हाँ कौन गलत है और कौन सही है, और तान्या झा जो अपने आप को ज्यादा हाईलाइट कर रही है, तो मैं उसी जनता से अपील कर रही हूँ कि जो उनको हाईलाइट कर रहे हैं, एक बार कम से कम सच्चाई सामने लाए कि तान्या झा गलत है या मैं गलत हूँ।
आपने देखा एक कलाकार का दर्द, आपने देखा एक कलाकार जब कोई अपनी मेहनत का फायदा किसी दूसरे को मिलता था, उस कला की आत्मा रोती है, उस कलाकार की आत्मा रोती है। ऐसे आप देख सकते हैं कि सपना आर्या आज इनके चेहरे को देख सकते हैं कि इनका मन कितना उदास है, और आज ये क्या महसूस कर रहे हैं कि जिंदगी में एक सक्सेस सफलता कभी कभी प्राप्त होती है, आज एक सफलता प्राप्त हुई लेकिन उसका श्रेय भी किसी और को जा रहा है। जी कुछ और कहना चाहेंगे? जी सर मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं 3-4 साल तक मतलब इस लाइन में ट्रेवल करी लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरा लाइफ का पहला गाना है सर जिससे मैं मतलब मेरा गाना हिट हुआ है, इससे पहले ना तो कोई गाना मेरा बना था, बहुत गया था, बहुत कम व्यूज जाता था। मुझे बहुत खुशी हुआ था जब पब्लिक का मुझे प्यार मिला था इस गाने से, लेकिन खुशी के साथ साथ बहुत दुख भी हो रहा है कि पब्लिक मुझे ना जानकर जिसका कोई मेहनत ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, उनको मतलब प्यार दे रही है, सपोर्ट कर रही है कि ये तान्या झा का गाना है। अपने सपना आर्या के विचार सुने और अब ये फैसला जनता का है कि एक गाना चुराने वाले को सफलता देती है, ये जो उसके असली हकदार हैं, जो उसके असली जिनकी वो मेहनत है उनको सफल देती है। मैं डॉक्टर खलील पवार अपने सहयोगी निगाह कौशिक के साथ दिल्ली न्यूज़।